नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन, मैं हूं कनक बिष्ट। चलिए रुक करते हैं खबरों का। गिरिडीह में एक ड्राइवर उस वक्त बाइक सवार युवकों को सड़क पर साइड ना देना इतना भारी पड़ गया कि वो ड्राइवर अब अस्पताल में अपना इलाज करवा रहा है। देखिए रिपोर्ट। गिरिडीह नगर पार्षद द्वारा डोर टू डोर सफाई का जिम्मा दिए गए आकांक्षा ग्रुप के ड्राइवर, जिसका नाम संजय दास है, उसे बदमाशों ने चाकू से वार कर जख्मी कर दिया। बताया जा रहा है कि संजय सफाई गाड़ी को लेकर मकतपुर से अर्घा घाट की ओर जा रहा था। इसी बीच बाइक सवार कुछ लोगों ने उसे साइड मांगी। साइड नहीं देने पर अर्घा घाट पुल पर कुछ बदमाशों ने उसके पीठ और माथे पर चाकू से वार कर दिए। चाकू से हुए वार से वो जख्मी हो गया। वहीं बदमाश मौके से फरार हो गए। बाद में स्थानीय लोगों के द्वारा उसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां ड्राइवर का इलाज किया जा रहा है। पुलिस को सूचना दे दी गई है। हम लोग दोनों का डिलीवर क्या चीज से मारा? चाकू से। कहाँ का लड़का था? सीतलपुर का। पहचानते आप उनको? जी सर। कब हुआ ये? अभी थोड़े घंटा। कहाँ पर? अर्घा घाट का पुल है। ये पुल इसका घर कहाँ पर? इसका कोल्डिया घर। कोल्डिया घर। सोचने वाली बात यह है कि क्या इंसानों की जिंदगियां इतनी सस्ती हो गई हैं, या मनुष्यों के अंदर से इंसानियत खत्म हो जा रही है कि सिर्फ सड़क पर साइड ना देने से कोई किसी को चाकू मारकर घायल कर सकता है। गिरिडीह से दिनेश कुमार की रिपोर्ट।